आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती खीचू की रेसिपी। ये गुजराती खीचू हम नई ट्रिक के साथ बनाएंगे, जिससे आप पहली बार में ही कोई भी लम्स ना रहे और एकदम टेस्टी और सॉफ्ट खीचू बने। तो चलिए ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठेले पर मिलने वाला ये स्ट्रीट स्टाइल का खीचू बनाने के लिए सबसे पहले हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम एक कप जितना पानी डालेंगे। अब आधी टीस्पून जितना हम अजवाइन ऐड करेंगे और आधी टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे। खीचू में ये दोनों चीज़ें ज़रूर से डालिएगा, इससे इसका एकदम अच्छा सा टेस्ट आता है। पानी को हम थोड़ी देर उबलने देते हैं ताकि अजवाइन और जीरा का फ्लेवर है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पानी हमारा अच्छे से उबलने लगा है, अब उसमें हम बारीक कट की हुई दो हरी मिर्च ऐड करेंगे और 1/3 कप जितना हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही में स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून जितना हम मूंगफली का तेल ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जितना पापड़ खार। आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब ढक्कन लगाकर इसे हम 3 से 4 मिनट तक पानी को उबलने देते हैं, तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम 1 कटोरी जितना चावल का आटा ऐड करेंगे। ये आटा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब जितना हमने चावल का आटा, यानी कि हमने 1 कटोरी के नाप से चावल का आटा लिया है, उसी कटोरी के नाप से हमें पानी लेना है। ये पानी हमें 2 कटोरी लेनी है और विस्कर की मदद से या फिर चम्मच की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक भी लम्स ना रहे। अगर आपको ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप उसमें 1 टेबलस्पून जितना पानी और डाल दीजिएगा और बैटर थोड़ा पतला कर सकते हो। तो ये बैटर मैंने बना लिया है, अब उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इतनी पतली हमें रखनी है। अब हम इस बैटर को साइड में रख लेते हैं और हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब कढ़ाई का ढक्कन खोल लेते हैं तो ये देखिए पानी अच्छे से उबल गया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेते हैं। अब हमने जो चावल के आटे का बैटर तैयार किया था ना, वो इस मसाले वाले पानी में ऐड कर देते हैं और गैस की फ्लेम को हमें लो पर ही रखनी है, ये बात का ध्यान रहे। और हाँ, मैंने यहाँ थोड़ी सी हींग भी ऐड की है, वो मेरा कैमरा बंद हो गया था इसलिए वो पार्ट शूट नहीं हुआ है। और बेलन की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से हमें कंटिन्यू इसे इस तरह से स्टर करते रहना है, यानी कि चलाते रहना है। अभी आपको ये बैटर पतला लगेगा मगर 1 से 2 मिनट में ये बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए एक भी लम्स हमारे खीचू में नहीं रहा है और एकदम सॉफ्ट बना है। अभी ये कच्चा है, इसे अब हम इसे पकाने की प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी थाली ली है, उसे हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह से थाली को ग्रीस करने से खीचू है वो तले पर चिपकेगा नहीं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब हमने जो खीचू बनाया था ना, वो सारा हम इस थाली में ऐड कर लेते हैं और पूरी थाली में हम इस तरह से फैला देते हैं ताकि खीचू जो है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाए। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में कमेंट भी करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। अब मैंने यहाँ स्टीमर को पहले से ही मीडियम गैस की फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये खीचू वाली थाली हम स्टीमर में रख देंगे और ढक्कन लगाकर कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे हम पकने देते हैं और गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे। 12 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल लेते हैं तो ये देखिए खीचू हमारा अच्छे से पक गया है और थोड़ा सा फूल भी गया है। अब थाली को हम स्टीमर में से निकाल लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमारा खीचू कैसा बना है। तो ये देखिए चम्मच की मदद से इसे निकाल रही हूँ तो ये खीचू थाली में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, दैट मीन्स कि हमारा खीचू एकदम परफेक्ट पका है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए एकदम स्ट्रीट स्टाइल का खीचू बना है, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी, जो मुँह में जाते ही पिघल जाएगा, इतना अच्छा और टेस्टी खीचू बना है। और खीचू पर हम इस तरह से मूंगफली का तेल या फिर तिल का तेल डालेंगे, आपको जो भी अच्छा तेल लगे वो आप इसमें डालिएगा और उस पर हम थोड़ा सा अचार मसाला स्प्रिंकल करेंगे। तेल और अचार के साथ ये खीचू सर्व किया जाता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खीचू में बहुत ही अच्छा लगता है।
शाम को अगर आपको गर्मा गर्म कुछ खाने का मन हो तो आप ये खिचू की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।